15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर सभी की देशभक्ति जागेगी। फिर गाड़ियों में झंडे लगाकर लोग रैलियां निकालेंगे, जय हिंद जय भारत के नारे लगेंगे। लेकिन फिर आएगा 16 अगस्त, वही झंडे जो हमारे देश की शान है, वही झंडे जो हमारा सम्मान है, किसी कोने में पड़े मिलेंगे। और फिर वो झंडे अगर प्लास्टिक के बने हों तो फिर क्या बात है, ना गलेगा ना नष्ट होगा, कभी इस ढेर से उस ढेर बस यही चलेगा। दोस्तों, क्या यही हमारी देशभक्ति है? PR 24/7 के इस मुहिम इस स्वतंत्रता दिवस प्लास्टिक ध्वज को कहे ना से जुड़े संकल्प ले, आइए जानते हैं PR 24/7 की टीम से। तो मेरा मानना है कि हमें प्लास्टिक फ्लैग्स नहीं बनाने चाहिए, फ्लैग्स जो भी होते हैं वो कपड़ों के हो या पेपर के हो। बहुत दिनों तक के वो रोड पे पड़ा रहता है या किसी खराब जगह पे पड़ा रहता है, जिससे कि हमारे झंडे का अपमान होता है। प्लास्टिक फ्लैग्स का भी यूज ना करें इस स्वतंत्रता दिवस, और ना ही मास्क पे जो झंडे वगैरह बनते हैं वो भी यूज़ ना करें। तो एक दिन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं और दूसरे दिन अगर हमें वो रोड पर मिल रहा है या कचरे के ढेर में मिल रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस स्वतंत्रता दिवस PR 24/7 प्लास्टिक फ्लैग यूज़ नहीं करेगा, और उम्मीद है आप भी ना करें। इस स्वतंत्रता दिवस प्लास्टिक फ्लैग को कहें ना। PR 24/7 के मुहिम से जुड़े। दिस इंडिपेंडेंस डे से नो टू प्लास्टिक फ्लैग्स। This year, no plastic.